राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। जसं बाळासाहेबांनी दाखवली, बाळासाहेब असते तर सावरकरांचा अपमान करणारे तर जोडे मारले असते, पण निमूटपणे सहन करणाऱ्यांच्या पण जोडे आणले असते। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों वीर सावरकर को लेकर जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से वीर सावरकर पर बयान दिया है, तब से बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और शिवसेना ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर गौरव सावरकर यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है और अब तक मुंबई, ठाणे, पालघर, नागपुर समेत कई बड़े शहरों में यह यात्रा निकाली जा चुकी है। बीजेपी और शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि जब तक राहुल गांधी सावरकर पर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगते, तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सावरकर का सही इतिहास बताने के लिए यह गौरव सावरकर यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार सावरकर पर अंग्रेजों के साथ मिले रहने का आरोप लगाया है, हालांकि इन आरोपों को बीजेपी और शिवसेना झूठ बता रही है। राहुल गांधी के आजोबा, अरे ज्यांचं नाव वापरतो कमीत कमी त्यांचं तरी ऐक, पण त्यांचं ऐकायला तयार नाही, कारण यांना इतिहासही माहिती नाही, या देशाचा गौरवही माहिती नाही, या देशामध्ये कोणी काय केलं हे माहिती नाही। सोन्याचा चमचा घेऊन निवडून आलेले राहुल गांधी, तुम्ही स्वातंत्र्य वीर सावरकरांचा जेवढा अपमान कराल तेवढे देशप्रेमी रस्त्यावर येऊन तुमचा या ठिकाणी दुस्वास केल्याशिवाय राहणार नाही, तेवढा तुम्हाला त्या ठिकाणी शिव्या शाप दिल्याशिवाय राहणार नाही। सांगताना त्यांचं नाव, म्हणताना माझ्या वडिलांना पळवलं, अरे मग वडिलांचे विचार गेले कुठे? तुमच्या वडिलांचे विचार गेले कुठे? त्यांची कृती केली कुठे? तुम्ही त्यांची कृती सोडून दिली, म्हणून आम्हाला आता मैदानात उतरावं लागतंय, आमच्या एकनाथ शिंदेंना मैदानात उतरावं लागतंय, कारण वारसा जन्माने मिळत नाही, वारसा कर्माने मिळत असतो, कर्माने। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट पर भी दोनों ही दल हमलावर हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पर वीर सावरकर के अपमान करने वालों के साथ खड़े होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वीर सावरकर हमारे भगवान समान हैं और उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव गुट की तरफ से बीजेपी और शिंदे गुट पर वीर सावरकर पर जबरन सियासत करने का आरोप लगाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि गौरव सावरकर यात्रा बीजेपी और शिवसेना आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीति के लिए कर रही है। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में सावरकर पर जारी सियासी घमासान कहां जाकर थमता है। सवाल ये भी है कि क्या आने वाले महानगर पालिका के चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल महापुरुषों पर राजनीति कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महापुरुषों के अपमान और उस पर सियासत का एक कोई नया चैप्टर नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिली है। मौजूदा समय में देश के राजनीतिक दलों को असल मुद्दों को छोड़कर इतिहास और महापुरुषों को लेकर सियासत करना कहाँ तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज।